अस्सलाम वालेकुम, कुक विद शेफ़ शाहिद की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको खोए वाली रेस्टोरेंट स्टाइल की खीर बनाना सिखाएंगे। ये बहुत आसान है। आप 2 किलो दूध लेना है खालिस भैंस का, और उसको काढ़ना है तकरीबन इतना कि हल्का लाइट ब्राउन हो जाए। इसमें बहुत कम चीज़ें डलती हैं। इसके लिए हमें 1 पाव खोया, 8 अदद सब्ज इलायची, 3 टेबलस्पून चीनी, 4 से 5 कतरे रूह की ओड़ा, 4 अदद ब्लड स्लाइस और आधा किलो कंडेंस मिल्क चाहिए। सब्ज इलायची के छिलके उतार के इसको रूलर से अच्छी तरह क्रश कर लें। खोए को छोटे छोटे टुकड़े कर लें, डबल रोटी के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लें। ब्रेड छोटी 4, अगर बड़ी हैं तो 2। हाफ के जी हमें कंडेंस मिल्क चाहिए। दूध को हम अच्छी तरह काढ़ेंगे। जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो जितना हमने उसको काढ़ा है उतना हम उसके अंदर पानी डाल देंगे। ये 1/4 कप चावल, टोटा चावल लेके उसको पानी में भिगो दें तकरीबन आधा घंटा। दूध हमारा कट गया है। अब हम इसके अंदर 8 सब्ज इलायचियों के बीज क्रश करके पीस के डालेंगे रोलर से। इसको अच्छी तरह हिलाते रहें, साइडें साफ़ करते रहें। तेज़ आंच ना रखिएगा। चावलों को ग्राइंड कर लें, चाहे तो मिल्क शेक वाले ग्राइंडर में कर लें, नहीं तो हैंड ग्राइंडर से कर लें। बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं करना, हल्का हल्का दाना खीर में अच्छा लगता है। अब दूध के अंदर हम तकरीबन, क्योंकि हमारा भैंस का खालिस दूध है इसलिए इसके अंदर हम कम से कम 1/4 लीटर पानी डाल सकते हैं। 1/4 लीटर पानी के अंदर आप चावलों को ग्राइंड कर लें और इसको खीर के अंदर मिक्स कर लें। इससे भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनेगी, क्योंकि भैंस का दूध खालिस हो तो उसके अंदर आप कम से कम 1 लीटर भी पानी डाल सकते हैं। चावलों को खीर में डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह पकाएं और हलाते रहें ताकि नीचे गुठली ना बने। चावलों को अच्छी तरह पकाएं। जब चावल गल जाएं, तो इसके हम 4 कतरे रियो कोड़ा के डालेंगे। अगर आप डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप 1/2 टीस्पून भी रियो कोड़ा डाल सकते हैं। मुसलसल हलाते रहें, खीर को नीचे ना लगने दें। चावल तकरीबन पक के तैयार हो गए, बड़ा खूबसूरत कलर आ गया है। हरी पोड़ा डाल देंगे हम 4 कतरे। बाज़ लोगों को रियू कोड़ा का टेस्ट पसंद नहीं आता, तो 4 से 5 कतरे बहुत हैं। अब हम इसमें 1/2 किलो कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क से इसमें बहुत अच्छा कलर भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। 1/2 किलो डालना है। अब इसको देखें कितना प्यारा कलर आया। अब इसमें 3 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। अगर आप चीनी हल्की पसंद करते हैं तो बेशक आप इसमें चीनी कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह हला लें।
अब हम इसमें सफ़ेद खोया डालेंगे एक पाव, खोया डालने के बाद इसको फिर अच्छी तरह हलाएं। अब हम इसके अंदर 4 अदद छोटी ब्रेड चूरा करके डाल देंगे, इसको अच्छी तरह हलाएं, ये नरम हो जाए तो किनारों से इसको दबा के इसको रेज़ा रेज़ा कर दें, नहीं तो फिर हम इसके लिए हैंड ग्राइंडर इस्तेमाल करेंगे। डबल रोटी के साथ बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। खीर जिस तरह बाहर आप होटलों में आप खाते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, डबल रोटी के साथ ये गाढ़ी हो जाएगी, जायका बहुत अच्छा आएगा। ये देखें आप ग्राइंड करने के बाद देखें कितनी स्मूथ और कितनी प्यारी, ऐसी जिस तरह आप बाज़ार से लेते हैं गाढ़ी गाढ़ी। इसको अगर आप मज़ीद पतला करना चाहते हैं तो 1 किलो दूध को और अच्छी तरह काट लें और काट के इसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। उन्होंने ट्रे में रखी होती है और एक साइड पे ये गाढ़ी खीर पड़ी होती है, दूसरी साइड पर थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आपको डब्बों में डाल डाल के देते रहते हैं। खीर में बबल्स आ गए हैं, खीर हमारी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कि बबल्स आ गए हैं। ये अब हमारी खीर तैयार शक्ल में आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि मलाई की कितनी मोटी तह इसके ऊपर आई है। अब गार्निश के लिए हम इसमें बादाम इस्तेमाल करेंगे, ये देख लें आप मलाई की कितनी मोटी तह है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक साइड से मलाई हटाई है। अगर आपको मलाई पसंद है तो ठीक है, नहीं तो इसके दरमियान में से निकाल के आप डब्बे में डाल दें। इसको आप मज़ीद पतला करना चाहते हैं तो कड़ा हुआ दूध थोड़ा सा मिक्स कर दें, ये पतली हो जाएगी, लेकिन ये इस वक्त बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत टेक्सचर में नज़र आ रही है। और आप देखें कि आपने सिर्फ 2 किलो दूध के साथ ये हम कम अज़ कम 4 अदद बाउल जो है वो तकरीबन हम खीर के तैयार कर लिए हमने। देखें आप बिल्कुल कमर्शियल जिस तरह आप बाहर से लेके आते हैं सेम उसी तरह की बनी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ये आप शक्ल देखें बिल्कुल कमर्शियल अंदाज से। कुक विद शेफ़ शाहिद की तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं और ये आपकी 5 से 6 दिन तक फ्रिज में ख़राब नहीं होगी। दूध डालने से पहले आप इस हालत में रख दें, दूध डालने के फ़ौरन बाद आपको इस्तेमाल, जब नरम करने के लिए जब आप दूध डालें तो फ़ौरन इस्तेमाल कीजिएगा।